बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। सलाम है देश के उन वीरों को जिनकी वजह से ये देश गणतंत्र हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम देश के गणतंत्र होने का 73वां साल मना रहे हैं। इसी साल हम देश की आजादी का भी 75 साल पूरे कर लेंगे, जिसकी वजह से हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के लिए सबके जहन में अलग अलग नजरिया होता है, सबके लिए अलग मायने होते हैं। तो आज हम हमारी डिजिटल टीम से ये जानेंगे कि आखिर उनके नजरिए से गणतंत्र का क्या महत्व है। तो दीक्षा, आपसे जानना चाहूंगी रिपब्लिक डे के लिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, साथ ही आपको रिपब्लिक डे में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तो मुझे रिपब्लिक डे में सबसे जो मेन चीज है उसकी, वो है रिपब्लिक डे की परेड। वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो भी मतलब भारत की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है कि किस तरह से भारत जो है विकास की तरफ आगे बढ़ा है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे दीक्षा ने तो हमें बता दिया कि विकास की तरफ हम कितना बढ़े हैं, उसकी झलक हमारी परेड में दिखाई जाती है। आशुतोष, आपसे जानना चाहूँगी कि मायने क्या है असली गणतंत्र दिवस के आपके नज़रिए से? देखिए, मुझे लगता है कि आज़ादी तो बहुत से देशों को मिली, लेकिन आज़ादी के बाद जो आज़ादी का अधिकार होता है, यानी बोलते हैं कि हम फ्री, जो एक किसी भी पर्टिकुलर सिटीज़न को चाहिए होता है कि हम अपने देश में चैन से रहें, हमारे साथ भेदभाव ना हो, हम अपनी सरकार चुन सकें, अपनी सरकार गिरा सकें, हम अपनी बात को सबके सामने रख सकें, और उस अधिकार को दिया है इस 26 जनवरी ने। जी, इस 26 जनवरी ने हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमें अपनी भाषा दी है, भारत को एक अपना ग्रंथ दिया है जिसको हम पढ़ के बातें बोल सके, बातें समझ सके, एक दूसरे से मिल सके, किसी में भेदभाव ना हो, ना लड़की ना लड़का, ना किसी जात पात धर्म का कोई ऐसा कह सकती कि बैरियर ना हो, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकें, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारा भी एक अधिकार हो। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी बात है रिपब्लिक की। जी बिल्कुल, और ये हमारे देशवासियों के लिए गर्व की भी बात है, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान जो दिन लागू हुआ था, ये दुनिया भर का सारे संविधान जो लागू हुए हैं उनमें सबसे बड़ा संविधान हमारा है। और इसे B.R. अंबेडकर की गठित की गई कमेटी द्वारा इसे बनाया गया था, और काफ़ी टाइम भी इसे लगा था। आशुकेश, यहाँ पे अंकित भी है। अंकित, आपके लिए गणतंत्र दिवस के क्या मायने हैं? देखिए, रिपब्लिक डे जो है वो मतलब भारत का वन ऑफ मतलब जितने भी त्यौहार होते हैं उनमें से सबसे बड़ा एक त्यौहार है, क्योंकि हमारी भारत की शान है बेसिकली। क्योंकि अगर आशु ने बताया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इस दिन फ्रेम हुआ था, और हमें 7 जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे वो मिले थे कहीं ना कहीं, वो भी उसमें देख, जिससे कि हर जो होता ना एक बैरियर जो था, अपर क्लास लोअर क्लास, ये सब चीज़ खत्म होगी और हर एक इंसान एक शान से जीता आज हिंदुस्तान में। तो अगर एक लाइन में रिपब्लिक डे को हम अगर डिस्क्राइब करें तो यूनिटी और पीस का जो संदेश है ये हमें देता है। और जितने अगर हम राजपथ पे परेड होती है, उस पर जितने हमारी डिफेंस फोर्सेज है सारी आती हैं, जितने भी चीफ गेस्ट हैं हमारे, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, सारे वहाँ पे एकत्रित होते हैं, और हमारी जो भारत की संस्कृति है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, और ऑल ओवर द ग्लोब जो है हमारे देश के जो गौरव है उसको देखते हैं, हमारे देश की संस्कृति को देखते हैं कि हमारा देश दिन प्रतिदिन कितना आगे बढ़ रहा है और क्या वैल्यूज है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अंकित, आशुकेश और दीक्षा ने हमें बताया कि किस तरह से गणतंत्र दिवस के हमारे लिए कितने खास मायने हैं, साथ ही ये हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। और जैसा कि अंकित ने बताया कि इसमें हमारी सारे आर्म फोर्सेस की झलक दिखाई जाती है, और उनका जो सेक्रीफाइस हमारे देश के लिए है, हमारे देशवासियों के लिए है, वो कुछ हम उसकी तुलना किसी और चीज़ से कर भी नहीं सकते। और यहाँ पर मुझे बस एक लाइन इनके लिए, दो लाइन ही याद आ रही है हमारे देश के सैनिकों के लिए, कि सलाम है देश की सेना को जो देशवासियों की सलाम है देश की सेना को जो देशवासियों की खातिर सरहद पर कष्ट उठाते हैं, खुद रात भर जागते हैं लेकिन हमें चैन की नींद सुलवाते हैं, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आसान नहीं है दोस्तों देश का फौजी कहलाना, जज्बात पिघला कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। और इसी प्रातर्म और इसी जज्बे और जुनून को गणतंत्र दिवस की परेड में भी दिखाया जाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन हम आप सभी से इस वीडियो के अंत में बस यही गुजारिश करेंगे कि देश की जो शान तिरंगा है
हमें इस तिरंगे को हमेशा अपने हर चीजों के ऊपर रखना है, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है और यही हमारे देश का गौरव है। तो अगर आप गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह के फ्लैग्स का, इस तरह के ध्वज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी निंदा आप बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन सभी देशवासियों को इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।